वालेकुम। क्लास 11 के स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक है स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल साइंस या एनवायरमेंटल स्टडीज़। पहला थोड़ा बताना चाहूँगा एनवायरमेंटल साइंस के बारे में आपको। जैसे आपको पता है एनवायरमेंटल साइंस को जो है मल्टी डिसिप्लिनरी एकेडमिक सब्जेक्ट बोलते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट कहा जाता है एनवायरमेंटल साइंस को। क्यों? एम टू, ये आप राइट डाउन भी करना, नोट्स बनाने के लिए उतना टाइम भी नहीं मिल पा रहा है। आप साथ साथ जो है मेन पॉइंट्स जो है आप नोट कर सकते हैं। एम टू सालों दे डिफरेंट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ठीक है, एनवायरमेंटल साइंस को मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट क्यों कहा जाता है? मल्टी डिसिप्लिनरी यानी ये डिफरेंट डिसिप्लिन्स में काम करेगा। इसका मतलब एम टू सॉल्व दे, हम डिफरेंट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं बाय स्टडिंग एनवायरमेंटल साइंस। एनवायरमेंटल साइंस के जरिए हम डिफरेंट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को जो है ओवरकम कर सकते हैं। तो इसलिए डिफरेंट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को मतलब इस पे जो है इसका सोल्यूशन हम ढूंढ सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट डिसिप्लिन्स पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, सो वी किस पे डिपेंड होंगे? वी डिपेंड ऑन डिपेंड ऑन डिफरेंट डिसप्लेंस। डिफरेंट किस पे है? डिसप्लेंस पे डिपेंड होंगे। तो डिफरेंट डिसप्लेंस, यही तो बताया, बहुत सारे डिसप्लेंस पे हम डिपेंड रहेंगे। तो इसीलिए बोलेंगे हम मल्टी डिसप्लिनरी सब्जेक्ट, क्योंकि डिफरेंट डिसप्लेंस पे हम डिपेंड रहेंगे डिफरेंट प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए। दैट्स वाई इट इज कॉल इट मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। जैसे आपको पता है आजकल के दौर में इन्वायरमेंटल साइंस का बहुत ही ज़्यादा जो है मोर डिमांड है इसका। ठीक है, आजकल टुडे इज द मोर, आप साथ साथ राइट डाउन भी कर सकते हैं कॉपी पे मेन पॉइंट्स, डिमांड इन द सब्जेक्ट ऑफ, इसलिए मैं पूरा लिख रहा हूँ आपको, सब्जेक्ट ऑफ आजकल जो है बहुत ज़्यादा डिमांड है एनवायरमेंटल साइंस की। क्यों है? बहुत सारे फील्ड्स में, जैसे कुछ मैं आपको बताऊंगा, जैसे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में इसका बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। ठीक है, टाउन प्लानिंग में है, तो बहुत इसका आजकल जो है बहुत ज़्यादा डिमांड है एनवायरमेंटल साइंस की। तो अब हम बात करेंगे, तो ये तो हुआ इसका जो है डिमांड एनवायरमेंटल साइंस का। तो इसमें मेन टॉपिक हमारा है स्कोप। क्या है? स्कोप, स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल साइंस या स्टडीज। स्कोप क्या है इसका? स्कोप पहले ये पता होना चाहिए स्कोप क्या होता है। देखो, स्कोप में ऐसे, स्कोप का मतलब ये नहीं कि आपको जॉब मिल जाए। ठीक है, ऐसे मैं साथ साथ लिखूंगा, स्कोप डस नॉट मीन
यू गेटिंग ए जॉब, ये क्लियर करो पहले। स्कोप का मतलब क्या है कि आपको, ऐसा नहीं कि आपको जॉब मिल जाए, ठीक है हम पढ़ रहे हैं एनवायरमेंटल साइंस तो आपको जॉब, स्कोप का मतलब वो नहीं है। स्कोप का मतलब है स्कोप, मीन्स यू अवेयर और यू गेन सम नॉलेज उसी को बोलेंगे स्कोप। स्कोप मीन्स अवेयर, किसी चीज के बारे में अवेयर होना, ठीक है, या आर यू गेन सम नॉलेज, जिससे आप कुछ नॉलेज गेन कर सकते हैं। एनवायरमेंटल साइंस पढ़ के आप नॉलेज गेन कर सकते हैं, जैसे आप, मैं ऐसे बताऊंगा, जैसे आपको पता है एनवायरमेंटल साइंस आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि अवेयरनेस यानी आप मतलब जो है कैसे आपके अंदर नॉलेज आएगी। जैसे आप कहेंगे पोल्यूशन, ये पानी में वाटर पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन कैसे होगा, जैसे कैसे होगा आपके अंदर नॉलेज आएगी, ये ऐसे हो जाता है, हाँ इससे होता है फैक्ट्री का, ये इससे भी होता है, ठीक है, आप किसी बहुत सारी चीज़ें पानी में फेंकते हो उससे पोल्यूशन, तो आपके माइंड के अंदर जो है एक अवेयरनेस पैदा होगी, आपके अंदर एक नॉलेज आएगा जब आप एनवायरमेंटल साइंस पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। स्कोप, स्कोप का मतलब ये नहीं कि जॉब, आपको एक अवेयरनेस या आर यू गेन सम नॉलेज पैदा हो जब आप सब्जेक्ट, तो अभी ये क्यों इंट्रोड्यूस किया, हर एक के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, प्लस टू लेवल पे, प्लस वन लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, ठीक है, सब के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, मेडिकल स्टूडेंट, मतलब कोई भी सब्जेक्ट लेने वाला हो उसको एनवायरमेंटल साइंस पढ़ना है, ताकि उसको एक अपने एनवायरमेंट के बारे में अवेयरनेस पैदा हो, ठीक है, उसको एक नॉलेज कैसे हम एनवायरमेंट को सेफ रखेंगे, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका स्कोप के बारे में। अब क्या क्या स्कोप हैं, बहुत सारे स्कोप हैं, लेकिन कुछ हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। पहले हम बात करेंगे इसका फर्स्ट जो है, तो मतलब ऐसे अब मैं लिख सकता हूँ, एनवायरमेंटल साइंस कैन बी अप्लाइड इन वेरियस स्फीयर्स, बहुत सारे इसमें आप जो है अप्लाई कर सकते हैं एनवायरमेंटल साइंस को फील्ड्स में, ठीक है। पहला हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे हमारा इकोसिस्टम के बारे में, ठीक है, इकोसिस्टम के बारे में। तो अगर आप एनवायरमेंटल साइंस पढ़ेंगे तो आपको इकोसिस्टम के बारे में जो है अवेयरनेस होगी, नॉलेज होगी, ठीक है, नॉलेज पैदा कर सकते हैं। जैसे किसी को पता नहीं भाई इकोसिस्टम क्या होता है, कोई आम आदमी को पूछेंगे अभी इकोसिस्टम, उसको पता नहीं होगा, लेकिन आप एक एनवायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो आपको पता है भाई इकोसिस्टम जो है इसमें एबायोटिक एंड बायोटिक सिस्टम। आप एबायोटिक क्या होता है, एबायोटिक हो या नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, बायोटिक क्या है, लिविंग थिंग्स, जैसे आपको पता है एबायोटिक और बायोटिक का इंट्रैक्शन कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जैसे हमारे लिए हवा कितनी इम्पोर्टेंट है, टेम्परेचर कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तभी तो आपका इकोसिस्टम मेंटेन होगा। तो इसलिए जब हम ये इसके बारे में हमें अवेयरनेस नहीं होगी एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं और क्या इम्पोर्टेंस हैं, ठीक है, बायोटिक सिस्टम यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, हमारे लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट्स का क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए,
दुनिया में हर एक स्पीशीज़ का एक 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 क्या होता है, इम्पोर्टेंस होता है। तो इसलिए ये सब अगर पता नहीं होंगे, एबायोटिक और बायोटिक पता नहीं होंगे, जो किस में आते हैं, हमारे इको सिस्टम को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एज ए स्टूडेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस आपको ये नॉलेज है एबायोटिक के बारे में। हाँ, एबायोटिक की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, बायोटिक की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, आपको एक अवेयर है, एक आपको नॉलेज है, तभी तो आप जो है इकोसिस्टम को मेंटेन रखने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हो। ठीक है, ये हुआ आप इस फील्ड में आप एनवायरमेंटल साइंस को अप्लाई कर सकते हैं इकोसिस्टम में। ठीक है, तो ये तो हुआ पहला पॉइंट। अब ज़्यादा लंबा जाएगा वीडियो, फिर कुछ शॉर्ट करते हैं हम। दूसरा, नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन, नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन। जैसे आपको पता है कुछ बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स जो हैं वो क्या हैं, लिमिटेड हैं, तो उनका कंजर्वेशन करना क्या है, ज़रूरी। कंजर्वेशन करना क्यों ज़रूरी है? कंजर्वेशन आप तभी कर सकते हैं जब आपको उसके बारे में अवेयरनेस होगी, आपको नॉलेज होगा, तभी कर सकते हैं आप। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, फॉरेस्टर्स हैं अभी, ठीक है, फॉरेस्टर्स को हम क्या करने की कोशिश करते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें इनके बारे में नॉलेज है, इम्पोर्टेंस है, ठीक है, इनका बेनिफिट पता है हमें फॉरेस्ट का। ठीक, कुछ लोग नहीं करते हैं, जानबूझ के भी नहीं करते, वो अलग बात है। अगर हम फॉरेस्ट को बचाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा, हमारे लिए क्या फ़ायदा होगा, हम अपने वाइल्ड लाइफ को मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ के बहुत सारे इम्पोर्टेंस हैं जैसे आपको पता है। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ को मेंटेन कर पाएंगे हम अपने, जैसे आपको पता है हर एक स्पीशीज़ का इम्पॉर्टेंट रोल है। तो जब आप नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन, बहुत सारे रिसोर्स लिमिटेड हैं, ठीक है, तो उनको कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। कैसे कंजर्वेशन करें हम उनको, तो ये सब आता है नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन में। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक, तो इसमें बहुत बड़ा स्कोप है, किसका, एनवायरमेंटल साइंस का, बहुत इम्पोर्टेंट स्कोप है इसमें। तो नेचर रिसोर्स कंजर्वेशन दूसरा इस फील्ड में आप अप्लाई कर सकते हैं, तभी कर सकते हैं जब आपको नॉलेज। तो फॉरेस्ट हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे इस पे काम करते हैं स्कोप, कैसे हम हर साल गवर्नमेंट का ये आता है कैसे फॉरेस्टेशन बढ़ाएं, ठीक है, एफॉरेस्टेशन करें। ठीक है, तो ये सब क्यों करते हैं, तो ये सब जो है हम वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ को मेंटेन करने के लिए, वाइल्ड लाइफ को मेंटेन कर, वाइल्ड लाइफ के बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो है इम्पोर्टेंस हैं इन्वायरमेंट में। और एक इम्पोर्टेंट फील है तीसरा, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल, बहुत इम्पोर्टेंट स्कोप है इसमें, बहुत ज़्यादा स्कोप है इसमें। जैसे आपको एनवायरमेंटल साइंस में आपको नॉलेज है, तो जब जैसे आपको एनवायरमेंटल साइंस में नॉलेज है, तो आप जो है आपको पता है कि किसकी वजह से पोल्यूशन जो है होता है, क्या कारण हो सकता है पोल्यूशन का, तो आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक तो वेस्ट मैनेजमेंट करके, जैसे मतलब बहुत सारे वेस्ट जो है, जैसे हम यहाँ की बात करेंगे करगिल की, ठीक है, देखो बहुत सारे वेस्ट जो है वाटर बॉडीज में फेंके जाते हैं, तो उसके बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। एक तो पानी भी गंदा हो जाता है, वाटर पोल्यूशन से बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं, इसमें एक्वेटिक लाइफ के लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो ये आपको पता है, आपके अंदर नॉलेज है, लेकिन कोई फेंकने वाला आम, उसको पता नहीं यहाँ फेंकूंगा, उसको कुछ उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो उनको अवेयरनेस पैदा करना है आपको। ठीक
ठीक है, वाटर बॉडीज़ में बहुत, जैसे अभी आपने देखा, ये एक एग्ज़ाम्पल बताऊंगा मैं, अभी जो कोरोना वायरस की वजह से अभी जो है ये दुनिया जो है, ये हमारी जो है अर्थ है, पूरा ग्लोब जो है, ठीक है, हमारी जो कायनात है, अर्थ है, ठीक है, बहुत तेज़ी से हील हो रही है। साइंटिस्टों का मानना है कि इतना जो है 100 ईयर्स में भी नहीं होता, अगर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, मतलब करते कंट्रोल करने की, ऐसा नहीं, बहुत तेज़ी से हील हो रहा है, बहुत 100 साल में भी नहीं हो पाता है इतना हीलिंग, इतना तेज़ी से हुआ है इन दिनों में, क्योंकि आप देखते हैं पूरा बंद हुआ, पोल्यूशन पूरा कंट्रोल हुआ, ठीक है। तो बहुत जगहों पे जहाँ पे मतलब विजिबिलिटी कम थी, मतलब पोल्यूशन की वजह से, जैसे दिल्ली की बात करेंगे तो विजिबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा हो गई है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, कभी आप मून की तरह देखते हैं यहाँ पे, उसमें क्लियरिटी पहले से बहुत ज़्यादा होती है, बिल्कुल शाइन, आप बिल्कुल शाइनिंग फेस लगता है मून का, तो पहले से यहाँ तो पोल्यूशन कम था, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल में भी आपका एनवायरमेंटल साइंस का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। तो आप जो है अपने घरों में, ठीक है, अपने आसपास में पोल्यूशन कंट्रोल, जैसे वाटर बॉडीज़ या सॉइल पोल्यूशन, ठीक है, एयर पोल्यूशन से को कंट्रोल करने के लिए लोगों को आप अवेयरनेस, आप एक नॉलेज दे सकते हैं, आपके अंदर नॉलेज है, नॉलेज यही होती है, यही स्कोप होता है इसका, ठीक है, आपके अंदर एक नॉलेज है, आपके अंदर जो है एक अवेयरनेस पैदा हो चुका है एनवायरमेंटल साइंस पढ़ के, तो आप लोगों को बता सकते हैं ये मत करो इससे पोल्यूशन, तो पोल्यूशन कंट्रोल में इम्पॉर्टेंट रोल है एनवायरमेंटल साइंस का, क्योंकि देखो बहुत सारे जो है एनवायरमेंटल जो है पोल्यूशन कंट्रोल टेक्निक्स बनाए जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे फैक्ट्रीज में लगाए जाते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो है वो लगाए जाते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस लगाए जाते हैं, ठीक है, तो ये इसी से मिले हमें एनवायरमेंटल साइंस को स्टडीज़ करके, तो इम्पॉर्टेंट रोल है बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल में। होप क्लियर हुआ होगा, एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल में तो क्या हुआ था है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल यानी पोल्यूशन को कंट्रोल करने में एनवायरमेंटल साइंस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, जैसे मैंने अभी बताया, ये सब चीज़ें आप जो है लोगों को अवेयर भी कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट रोल है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये क्या है मैं आपको बताऊंगा। एनवायरमेंटल साइंस प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ऐसा क्यों है, जैसे मैं आपको बताऊं, देखो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज, वेरियस यूनिवर्सिटीज, ठीक है, बहुत सारे गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, ये एक रिसर्च करवाते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है, जैसे आप जो पीएचडी जो करते हैं, ठीक है, वो भी बहुत सारे, उनको भी कभी जो है वो जो एनवायरमेंटल साइंस पे पीएचडी करते हैं, ठीक है, वो जो है उनको एक ऐसा फील्ड दिया जाता है कि उसमें रिसर्च करें, ठीक है, तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो है वो रिसर्च काम कराती हैं,
क्यों टूवर्ड्स कंट्रोल द सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन का मेन जो है सोर्स क्या है? ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊंगा, ग्लोबल वार्मिंग एक ग्लोबल थ्रेड है अभी, ये कभी खत्म नहीं हो, लेकिन यही फिर से बताना चाह रहा हूँ मैं, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? इंक्रीज इन एवरेज, यानी अर्थ के टेम्परेचर में, एवरेज टेम्परेचर में इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, अर्थ के जो एवरेज टेम्परेचर में उसमें इंक्रीज होना, ठीक है, वो किस वजह से इंक्रीज हो रहा है? ड्यू टू इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, जैसे मीथेन, ठीक है, ये सब गैसेस हैं, इनका इंक्रीज होना, इन गैसेस का इंक्रीज होने की वजह से इनको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस इसलिए बोलते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, पढ़ा होगा आपने, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट करने में मदद, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की ही वजह से होता है क्या ग्लोबल वार्मिंग? तो ग्रीन हाउस गैसेस का जो है इंक्रीज होने की वजह से होता है क्या ग्लोबल वार्मिंग? तो इसमें ज़्यादातर ये रिसर्च करवाते हैं यूनिवर्सिटीज़ और बहुत सारे गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में, रिसर्च में बहुत ज़्यादा स्कोप है इसमें, ये इसमें कोशिश करते हैं कि कैसे हम जो है ग्रीन हाउस गैसेस को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, ऐसी कौन सा ये हम अपनाएंगे इसमें जिससे हम ग्रीन हाउस गैसेस को क्या करेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। और भी अवेयरनेस है इसमें बहुत सारा, ज़्यादा जो है एक ग्रेट स्कोप है इसका, ठीक है। तो ये हुआ आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ठीक है, तो कैसे हम जो है इसमें रिसर्च करें ताकि हम इसमें क्या ला सकते हैं डेवलपमेंट। अभी ये लोकल लेवल पे भी हो रहा है, ठीक है, मतलब एंड नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी हो रहा है। और हम बात करेंगे लास्ट पॉइंट की, सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट इसमें इम्पोर्टेंट रोल है एनजीओस का, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इट हेल्प इन क्रिएटिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट। तो जैसे आपको पता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका इम्पॉर्टेंट रोल है अवेयरनेस पैदा करना, किसके लिए? प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। ये कैसे अवेयरनेस पैदा करते हैं आपको पता है? ये इन्वायरमेंटल जो है ये क्या करते हैं, ये जो है बहुत ज़्यादा जो है आपने देखा होगा, बहुत अलग अलग जगहों में जाते हैं, जैसे रूरल एरियाज में जाते हैं, ये बहुत जगहों में जाके वहाँ पे अवेयरनेस कैंप्स लगाते हैं, ठीक है, अवेयरनेस कैंप कभी आपने देखा होगा, बहुत सारे एनवायरमेंटल के अवेयरनेस कैंप्स लग जाते हैं, ठीक है। तो अवेयरनेस कैंप्स में यही लोगों को अवेयर किया जाता है कि कैसे जो है हम एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, कैसे हम एनवायरनमेंट को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, कैसे एनवायरमेंटल हमारा जो है मतलब इसमें इम्पैक्ट्स आप जो है कैसे कैसे आप इम्पैक्ट्स डाल सकते हैं, तो ये बता सकते हैं कि इम्पैक्ट्स को जो है वो आप कैसे कम कर सकते हैं, तो ये बताएंगे, ये आपको अवेयरनेस कराएंगे, ठीक है, कैसे आप एनवायरनमेंट को बचाएंगे, इम्पैक्ट नहीं, इम्पैक्ट हो गया, कैसे
ऐसे इफेक्ट डालना, ठीक है। तो अवेयरनेस, बहुत सारे अवेयरनेस कैंपस के जरिए, ठीक है, लोगों को ये जागरूकता दिलाते हैं, ठीक है, कैसे आप जो है अपने माहौल को, अपने एनवायरनमेंट को आप बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका सोशल डेवलपमेंट। तो ये तो हुआ यहाँ स्कोप, अब रह गया इसका इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।